हेलो फ्रेंड, गिल्स मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ते सोडा स्वागत है। अज 14th जून है ते आपां रेडी हां अपने करंट अफेयर सेशन दे नाल। करंट अफेयर सेशन जो कि इंपोर्टेंट रहेगा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स, पंजाब पटवारी, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL और बैंकिंग एग्जाम्स है। स्टार्ट करांगे सेशन। सब तो पहले सेशन नू शेयर करना स्टार्ट कर दो, जिथे भी शेयर कर सकते हो, जिथे भी तुसी अपने फ्रेंड्स दे नाल जुड़े हुए हो, काइंडली सेशन नू शेयर करना स्टार्ट कर। डिफरेंट डिफरेंट बैचेस लॉन्च किए गए ने, चाहो तो एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने दे लई सिंपली एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। चैनल नू फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सबसक्राइब जरूर कर लो। स्टार्ट करांगे सेशन। सब तो पहले उन्होंने न्यूज़ नू डिस्कस करांगे जिन्हों सैटरडे डिस्कस किया सी, आपां ने उन्हां दी रिवीजन करांगे, उस तो बाद डिस्कस करांगे अज दी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ नू MCQ फॉर्म दे विच। तो सब तो पहले वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून नू ऑब्जर्व किया गया। इसी दिन जो इसकी थीम रही है एक्ट नाओ एंड चाइल्ड लेबर। इसी दे नाल याद रखांगे सन 2021 इंटरनेशनल ईयर फॉर द एलीमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व किया गया, इंटरनेशनल ईयर फॉर द एलीमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। इसी दे नाल एक रिपोर्ट जारी की गई सी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यूनिसेफ दे नाल मिलके कि जो चाइल्ड लेबर है वह इंक्रीज होएगी, ओवर 9 मिलियन तक चली जाएगी 2022 तक। ठीक है जी, जिस दे विचों सब सहारन अफ्रीका है मोस्ट अफेक्टेड है। फेसबुक द्वारा टेक स्कॉलर्स प्रोग्राम की शुरुआत की गई है लॉ स्टूडेंट्स दे लिए। रिजर्व बैंक ने परमिशन दी है बैंक्स नू इंक्रीज़ करने लिए चार्जिज़ इंक्रीज़ किए जाएंगे कैश एंड नॉन कैश ATM ट्रांजैक्शंस के उत्ते, कदों तो लैके 1 जनवरी 2022 तो लैके। 1998 एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, 1998 दे एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट 1998 दे ही अर्जुन अवार्डी और 2013 दे पद्म श्री अवार्डी बॉक्सर सिगे गैंगोम दिंको सिंह, इन्हां दी रीसेंटली डेथ हो गई। नेशनल अवार्ड फिल्म मेकर बुद्धा देव दास गुप्ता, इन्हां दी भी रीसेंटली डेथ हो गई है। इन्हां दी पांच फिल्म्स नू नेशनल अवार्ड दिता जा चुका है और इन्हां नू दो बार नेशनल अवार्ड दिता जा चुका है बेस्ट डायरेक्टर दे लई। ठीक है जी, इन्हां नू ही स्पेन इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल दे विच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के नाल भी सन्मानित किया गया सी। फर्स्ट एडिशन ऑफ 2-डे अरब इंडिया एनर्जी फोरम 2 दिन का ऑर्गेनाइज किया गया मोरोको की चेयरमैनशिप के अंडर। ठीक है जी, सेकेंड एडिशन कंडक्ट किया गया 2023 सेकेंड एडिशन कंडक्ट किया गया। इंडिया नू रिप्रेजेंट किया गया पावर मिनिस्टर आर के सिंह पावर मिनिस्टर ने इंडिया नू रिप्रेजेंट इन्हां द्वारा किया गया सी। एथलैटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है फोर्थ इंडियन ग्रैंड प्रिक्स पटियाला दे विच ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इंडिया रैंक्स 55th प्लेस इन नाइट फ्रैंक ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स दे विच नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किया गया। इंडिया 95वें नंबर पर रहा है, 55वें नंबर पर रहा है टर्की ने इस रैंक नू टॉप किया। डोनर मिनिस्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इसरो अनाउंस किया गया कि इसरो है जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन असिस्ट करेगी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दे विच नॉर्थ ईस्ट दे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दे विच कौन हेल्प करेगी, इसरो हेल्प करेगी। सिलेक्शन कमेटी ने अनाउंस किया है ODI सीरीज और T20 सीरीज कि जो ODI सीरीज और T20 सीरीज ने श्रीलंका दे अगेंस्ट इंडिया दियाँ ऑर्गेनाइज कितिया जानगियाँ आर प्रेमादासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो कि कोलंबो श्रीलंका दे विच है।
इस दे विच शिखर धवन कैप्टन होंगे, भुवनेश्वर कुमार वाइस कैप्टन रहेंगे इंडियन टीम। गूगल, गूगल द्वारा अनाउंस किया गया फिरमीनिया की एक अंडर सी केबल फिरमीनिया बिछाई जाएगी जो कि यूएसए नू ब्राजील उरागुए और अर्जेंटीना दे नाल कनेक्ट करे। डीबीएस बैंक है जो वर्ल्ड का बेस्ट बैंक नामित किया गया इंडिया दे विच फोर्ब्स द्वारा। केरला बेज सीएसबी बैंक दूसरे नंबर पर रहा है और आईसीआईसीआई बैंक तीसरे नंबर पर रहा। फेसबुक हैज अपॉइंटेड स्पूर्थी प्रिया एज ग्रीवियंस ऑफिसर नामित किए गए ने स्पूर्थी प्रिया फेसबुक दे। अमेरिकन एक्ट्रेस लक्ष्मी देवी गोल्ड रैमी अवार्ड डायरेक्शन दे लई वेन द म्यूजिक चेंजेस मूवी दे लई होस्टन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दे विच। साउदी अरेबिया और यूएसए ने मिलकर एक बायलेटरल एक्सरसाइज फॉल्कन क्लॉज फॉर ऑर्गेनाइज की। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जो कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने 700 करोड़ के प्रोजेक्ट नू अप्रूवल दिती है, मसूरी उत्तराखंड दे विच टनल बनाई जाएगी। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अपॉइंटेड जस्टिस संजय यादव नू चीफ जस्टिस बनाए गए ने इलाहाबाद हाई कोर्ट दे। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली दे सेक्रेटरी अब्दुल्ला शाहिद द्वारा के नागराज नाए जो कि इंडिया दे डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव ने परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने यूनाइटेड नेशंस दे विच इन्हां नू शेफ दे कैबिनेट अपॉइंट किया गया। आर एस सोडी अमूल दे एमडी ने फर्स्ट इंडियन बने ने 20 सालों दे विच पहले ऐसे इंडियन जिन्हां नू एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन अवार्ड दे नाल सम्मानित किया गया। एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन अवार्ड दे नाल जो कि एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन टोक्यो द्वारा दिता गया। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कर्नाटका दा यह प्रोबायोटिक फूड दे उत्ते काम कर रहा है ताकि चिल्ड्रंस ने जो उन्होंने बचाया जा सके थर्ड वेव कोविड-19 दे। नाइजीरिया ने ट्विटर नो सस्पेंड किया है अपनी कंट्री दे विच और कू एप्लीकेशन नो यूज़ करना शुरू किया है। कू एप्लीकेशन जो कि इंडिया दी एप्लीकेशन है कर्नाटका दे विच बनाई गई सी और इसनु बनाया गया सी राधा कृष्णन और मयंक बिदवातका द्वारा। कर्नाटका दे चीफ मिनिस्टर बीएस येदुरप्पा द्वारा ही डीबीटी एप्लीकेशन दी शुरुआत कीती गई है ताकि बेनिफिशरीज नू फंड डायरेक्टली ट्रांसफर किए जान उन्हां दे बैंक अकाउंट्स दे विच। असम गवर्नमेंट ने देहिंग पतकल वाइल्डलाइफ रिजर्व नू 7वां नेशनल पार्क अनाउंस किया। इंडिया असम दा 7th नेशनल पार्क बनाया गया है। इसनू एमाजोन ऑफ ईस्ट दे नाम तो भी जानिया जाता है और इस दे नाल मिला के इंडिया दे विच 106 नेशनल पार्क हो चुके। गुजरात गवर्नमेंट ने वेब पोर्टल ई निर्माण की शुरुआत की है जिस दे नाल अनऑर्गेनाइज सैक्टर दे वर्कर्स नू वेलफेयर स्कीम्स दा लाभ पहुंचाया जाएगा। ठीक है जी, कंटेंट सारा पंजाबी दे विच अवेलेबल है, चाहो तो पंजाबी दे विच भी स्टडी कर सकते हो। आपां चलते हैं स्टैटिक पोर्शन दे विच डिस्कस करांगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। चंडीगढ़ दे विच सिटी लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुखना लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। छत्तीसगढ़ दे विच पामेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोमारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अचना कमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ दे विच। दिल्ली असोला पट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया असोला पट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कित्थे लोकेटेड है, दिल्ली दे विच लोकेटेड। गोवा बोंदला नेत्रावली
कोटी गाँव मादेई, बोंद्रा नेत्रावली कोटी गाँव और मादेई ए वाइल्ड सेंचुरीज गोवा दे विच सिचुएटेड। गुजरात गागा गागा जम्बू घोड़ा गागा जम्बू घोड़ा भारदा। कच्छ और इस तो अलावा और भी काफ़ी ने अगर आप गल करिए, लेकिन सिंपली अपना चार याद रखांगे, गागा जम्बू घोड़ा भारदा और कच्छ डेजर्ट, जिसनों आप रन ऑफ कच्छ के नाम तो भी जानते, रन ऑफ कच्छ। ठीक है जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है रन ऑफ कच्छ गुजरात की। गागा भी कई बार पूछी गई है, याद रख। नेक्स्ट है, चलते हैं अज की फर्स्ट न्यूज़ फर्स्ट क्वेश्चन के वल। विच बैंक हैज़ लॉन्च अ कोलैटरल फ्री लोन स्कीम, कवच पर्सनल लोन, कवच पर्सनल लोन की शुरुआत की है जिस दे विच कोलैटरल फ्री लोन दिता जाए, कोलैटरल फ्री लोन की स्कीम की शुरुआत की है SBI ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कवच लोन किसने दिता, किस द्वारा शुरुआत की गई है, SBI। सिंपली वन लाइनर दे विच न्यूज़ इंपोर्टेंट बनेगी। इस तो इलावा SBI दे फैक्ट जरूर इंपोर्टेंट बनेंगे कि SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर आप गल करते हैं तो इसनों मुंबई दे विच इसका हैडक्वाटर है, इसके हैड ने जो इसके हैड का नाम रिसेंटली अपॉइंट किए गए सी, हैड का नाम कमेंट बॉक्स के दसने, प्लस इसके MD CEO भी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, उन्हों का नाम भी कमेंट बॉक्स के भी दस। ठीक है, कई बार आप डिस्कस किया कमेंट बॉक्स के भी दस। इस तो इलावा अगर गल करते हैं बाकी बैंक्स की, तो बाकी सारे बैंक्स का हैडक्वाटर मुंबई के विच है, ये याद रखेंगे, बैंकों के हैडक्वाटर पूछ ले जाते हैं। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI द्वारा अनाउंस किया गया कि जिन्हें भी रेस्टोरेंट्स ने और फूड बिजनेसिस वाली कंपनीज ने उन्हों द्वारा उन्होंने की करना होगा, 14 digit का जो FSSAI लाइसेंस है यह डिक्लेयर करना होगा अपनी कैश रिसिप्ट के उत्ते या परचेज इनवॉइसिस के उत्ते, कि जो आप अमाउंट पे करते हैं अपन रिसिप्ट दी जाती है डिफरेंट डिफरेंट होटल्स द्वारा, तो उन्होंने होटल की जो रिसिप्ट है उन्होंने उत्ते इन्हों का लाइसेंस नंबर लिखा होना जरूरी है। ठीक है जी, ये अनाउंसमेंट की गई है 2021 तो इसनों किया जाएगा। ठीक है, तो अपने लिए डायरेक्टली स्टैटिक दे विच पूछा जा सकता है FSSAI का हैडक्वाटर कितने है, दिल्ली दे विच। FSSAI कदों बनाया गया सी, तो 2011 दे विच बनाया गया सी। ठीक है जी, नेक्स्ट है, 5 Indian women cricketers इंडिया दिया पंच वूमेन क्रिकेटर्स ने ज्वाइन किया है द 100 वूमेन्स कॉम्पीटिशन ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड है जो जिस तरीके नाल इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है BCCI है, उस तरीके नाल इंग्लैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, इन्हों द्वारा द 100 वूमेन्स कॉम्पीटिशन, द 100 वूमेन्स कॉम्पीटिशन की शुरुआत की गई है। इस कंपीटिशन दे विच, इस कंपीटिशन दे विच 5 Indian women ने ज्वाइन किया, 5 Indian women ने ज्वाइन किया, तो इन 5 दे विच केड़ा नाम ज्वाइन नहीं किया गया। ठीक है, टोटल 5 नाम ने, तो इन्हों दे विचों केड़ा नहीं है ज्वाइन किया होया, मिथाली राज द्वारा इसनों ज्वाइन नहीं किया। तो केड़े 5 नाम ने, शिफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, जमिया रोड्रीगुइस, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा। ये दीप्ति शर्मा उही दीप्ति शर्मा ने जिन्हों लास्ट ईयर अर्जुन अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया। ठीक है जी, नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, नीरज चोपड़ा किस स्पोर्ट्स के नाल बिलोंग करते हैं, किस स्पोर्ट्स के लिए खेलते हैं। तो नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रोअर ने नीरज चोपड़ा न्यूज़ दे विच ने गोल्ड मैडल जीते, इन्होंने गोल्ड मैडल जीते है लिस्बन दे विच एक ईवेंट दे विच गोल्ड मैडल जीता गया नीरज चोपड़ा द्वारा जैवलिन थ्रोअर फील्ड दे विच। याद रखांगे कि स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाए।
ठीक है जी। इस तो इलावा स्पोर्ट्स डे आ रहा है, स्पोर्ट्स डे अगस्त दे विच है, स्पोर्ट्स डे वाले दिन डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड डिस्कस करांगे आप, अर्जुन अवार्ड या होर भी डिफरेंट अवार्ड अगर गल करते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इन्हां दे लई जो कमेटी बनाई जाएगी उसके रिलेटेड भी न्यूज़ आप डिस्कस करांगे, ठीक है, जदों ही अनाउंस किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हू हैज़ वॉन वूमेन सिंगल टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन। टेनिस की अगर आप गल करते हैं, टेनिस दे विच वैसे डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ईवेंट्स, पर अपने लिए सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट ने ग्रैंड स्लैम्स। चार ग्रैंड स्लैम्स इंडिया के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट ने अपनी न्यूज़ के परस्पेक्टिव के उत्ते, जिन्हों के सब तो पहले ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उस तो बाद फ्रेंच ओपन, उस तो बाद विंबलडन ओपन, और लास्ट से ऑर्गेनाइज किया जाता है यूएस ओपन, ठीक है जी। सीरीज़ याद रखांगे, सीरीज़ पूछ ली जाती है कई बार एग्जाम के, ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, फ्रेंच ओपन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और रीसेंट या कहांगे हो चुके हैं ऑर्गेनाइज, ठीक है जी। फाइनल मैचेस ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं, तो अपने लिए इंपोर्टेंट बनेगा वूमेन सिंगल टाइटल। वूमेन सिंगल टाइटल किन्ना ने जितया है फ्रेंच ओपन का, फ्रेंच ओपन का वूमेन सिंगल टाइटल इस बार का जितया गया बारबोरा क्रेजिकोवा। 2021 का फ्रेंच ओपन का वूमेन सिंगल टाइटल बारबोरा क्रेजिकोवा द्वारा जितया गया। बारबोरा क्रेजिकोवा किस कंट्री तो बिलोंग करते हैं, क्रेच रिपब्लिक तो बिलोंग करते। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बारबोरा क्रेजिकोवा किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं या किस कंट्री तो बिलोंग करते हैं, तो वो पता होना चाहिए। इस तो इलावा फ्रेंच ओपन 2021 किन्ना ने जीते, फ्रेंच ओपन 2021 किस कंट्री ने जीते, तो याद रखांगे क्रेच रिपब्लिक, ठीक है जी। इस तो इलावा रनरअप पूछे जाते हैं, कई एग्जाम्स पूछे जा चुके हैं। रनरअप की अगर आप गल करते हैं तो एनेस्तेसिया पैवली यंचिकोवा यह रनरअप रहे ने, यह किस कंट्री तो बिलोंग करते हैं, तो रशिया तो बिलोंग करते हैं। सिंपली एनेस्तेसिया नाम याद रख लेंगे और बारबोरा नाम याद रख, ठीक है जी। बारबोरा क्रेच रिपब्लिक जीते ने फ्रेंच ओपन, एनेस्तेसिया नु हरा के रशिया तो बिलोंग करते, ठीक है जी। इसी तरीके नाल मैन सिंगल्स टाइटल भी कल दे दिन ईवेंट कल शाम दे विच बेसिकली कहांगे ईवेंट ऑर्गेनाइज किया गया सी, तां इसनू किन्ना ने जित्या एक कमेंट बॉक्स दे विच तुसी दसना है, आपां नेक्स्ट सेशन दे विच अपने कल दे सेशन दे विच डिस्कस करांगे। नेक्स्ट, हू इज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पुणे बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस एक कंपनी है, पुणे बेस्ड कंपनी है, पूछा जा सकता है कितने की कंपनी है या कितने इसका हेडक्वार्टर है, पुणे दे विच हेडक्वार्टर है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, अक्षय कुमार ने इस दे ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नामित किया, ठीक है जी। इस तो इलावा हॉर्लिक्स के ब्रांड एम्बेसडर रीसेंटली अपॉइंट किए गए थे, डाबर चमनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर भी रीसेंटली इन्हों अपॉइंट किया गया, पॉलिसी बाजार के ब्रांड एम्बेसडर ने। इस तो इलावा जॉन इब्राहिम की अगर आप गल करते हैं, जॉन इब्राहिम पैटा अवार्ड जीत चुके हैं इस साल का, पैटा अवार्ड पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। आमिर खान सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। इस तो इलावा वेंदातू के भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, ठीक है जी। इसी तरीके नाल डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड एम्बेसडर पूछे जाते हैं, रिवाइज कर देते हैं, आप कई बार डिस्कस किए हैं, पूरी की पूरी लिस्ट भी आप डिस्कस की हुई। नेक्स्ट है, हू हैज़ वॉन पेन पेंटर प्राइज 2021। पेन पेंटर प्राइज एक अवार्ड है, यह किसने जीते है 2021 का, किसने जीते है, सित्सी दांगारेमगा, ठीक है। ये कितों बिलोंग करते हैं, जिम्बावे तो बिलोंग करते हैं, नॉवलिस्ट ने, राइटर ने, इन्हों ने पेन पेंटर प्राइज जीते। पेन पेंटर प्राइज बेसिकली एक राइटर के नाम के उत्ते दिता जाता है, पूरी डिटेल है डिस्कस करते हैं, इस तो अलावा बाकी ऑप्शनस भी डिस्कस कर। सित्सी दांगारेमगा जिम्बावे तो बिलोंग करते हैं, पेन पेंटर प्राइज जीते 2021 का नॉवल दे द मोरनेबल बॉडी। यह अवार्ड 2009 के शुरुआत की गई थी नोबल लॉरेट पे राइटर हैरल्ड पेंटर के नाम तो 2009 इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। इस साल का अवार्ड जितया गया सित्सी दांगारेमगा। आशीष सराफ
आशीष शराफ वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए, वाइस प्रेसिडेंट और कंट्री डायरेक्टर अपॉइंट किए गए ने इंडिया के किस कंपनी के, फ्रेंच डिफेंस एंड एरोस्पेस ग्रुप थेल। थेल्स जो कंपनी है कितने की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और कंट्री डायरेक्टर इंडिया के लिए कंट्री डायरेक्टर आशीष शराफ अपॉइंट किया। जाहिद खुरेशी पाकिस्तानी अमेरिकन ने और पहले मुस्लिम फेडरल जज कौन अपॉइंट किए गए हैं अमेरिका दे, जाहिद खुरेशी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यू जर्सी दे। डॉक्टर अशोक पनागरिया न्यूरोलॉजिस्ट से पद्मश्री जीत चुके ने 2014 के, रीसेंटली डैथ हो गई। प्रताप बोस नू एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया महेंद्र ग्रुप का। डॉक्टर विधि नागर, ये न्यूज़ इंपोर्टेंट रहेगी, डॉक्टर विधि नागर एक कथक टीचर ने और पहले वूमेन बने ने जिन्होंने डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर डिग्री दिती गई। कथक दे विच डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर डिग्री हासिल करने वाले, कथक क्वेश्चन ध्यान नाल सुनना, शब्दों का खेल है सारा, कि जो कथक है कथक दे फील्ड दे विच डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर डिग्री हासिल करने वाले पहले वूमेन कौन बने ने, डॉक्टर विधि नागर। कितों लिती इन्होंने डिग्री, इंदिरा गांधी संगीत यूनिवर्सिटी खैरागढ़ तो। ओलंपियन सूरत सिंह माथुर पहले जिन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया दे वल्लों मैराथन कंप्लीट की सी ओलंपिक्स दे विच, इन्हों की डैथ हो गई। नेक्स्ट है, हू हैज़ पार्टीसिपेटेड इन G7 समिट फ्रॉम इंडिया। इंडिया वालों जी सैवन समिट के विच किसने पार्टीसिपेट किए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा G7 समिट के विच पार्टीसिपेट किया। बेसिकली पहले G7 दे रिलेटेड डिस्कस कर लेने हैं, उस तो बाद डिटेल है न्यूज़ दे विच डिस्कस करांगे। G7 बेसिकली पहले G8 नाम तो ग्रुप बनाया गया सी, ठीक है, जो कि बनाया गया सी 1975 के, ठीक है। इस दे विच G8 दे विच कंट्री सी एक रशिया जो इस तो बाहर हो गई सी, इसनों एग्जिट कर देता सी ते बन गई G7। हुण जो G7 है, G7 दे विच 7 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। इसका जो समिट है 2021 दा UK द्वारा होस्ट किया गया, ठीक है। 2022 दा यह समिट जो इसनों होस्ट करेगा जर्मनी होस्ट करेगा। 2023 दा इसका समिट जापान होस्ट करेगा। 2024 दा इसका समिट इटली होस्ट करेगा, ठीक है जी, ये इंपोर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा जो इस साल दा यह समिट है ये हाइब्रिड मोड दे उत्ते किया गया। इसका मतलब है कि जो G7 दे विच कंट्रीज़ ने इस दे विचों अद्धी कंट्रीज़ ने पार्टीसिपेट किया डायरैक्टली विजिट की है और अद्धी कंट्रीज़ ने वर्चुअली पार्टीसिपेट किया, ठीक है। इंडिया की गल करते हैं, इंडिया हालांकि G7 का मैंबर नहीं है, ठीक है, पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया इन्हों इनवाइट किया गया सी, इस दे विच एज ए गैसट इनवाइट किया गया सी और इंडिया ने इस दे विच वर्चुअली पार्टीसिपेट किया, ठीक है। डिस्कस करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली पार्टीसिपेट किया है। इन्हों द्वारा एक मंत्र दिता गया, वन अर्थ वन हेल्थ, इन्हों द्वारा इस मीटिंग दे विच एक मंत्र दिता गया, वन अर्थ वन हेल्थ। इस तो इलावा जो USA दे प्रेसिडेंट ने जो बिडन, इन्होंने विजिट किया है समिट दे विच, खुद जाके पार्टीसिपेट किया है। और एक न्यूज़ रही, हालांकि शायद ही इंपोर्टेंट बनेगी, $6,000 की एक बाइक इतने बाइसाइकल नूं कहा गया, साइकिल नूं कहा गया, इन्होंने गिफ्ट की है प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। रमेश पोखरियाल निशांक एजुकेशन मिनिस्टर ने इन्होंने रिलीज़ की ऑल इंडियन सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन
फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, आयशे की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसलिए इंपोर्टेंट रहेगी, इस करके डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि इस दे विच जो रिजल्ट सीगे कि पीएचडी लोगों ने किन्नी इंक्रीज हो चुकी है, किन्ने ज़्यादा लोगों द्वारा पीएचडी की गई है, किन्ने ज़्यादा लोगों ने हायर एजुकेशन लीती है, ये अपने लिए डाटा इंपोर्टेंट नहीं बनेगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इन्हों द्वारा दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनॉग्रेट किए गए ने BRO दे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO है जो BRO 7 मई 1960 बनाई गई सी 7 मई 1960 बनाई गई सी BRO दिल्ली दे विच इसका हैडक्वार्टर है और इसदे जो हैड ने मेरे माइंड चो नाम स्किप कर रहा है रिसेंटली अपॉइंट किए गए सी इसदे हैड BRO दे राजीव चौधरी इसदे हैड अपॉइंट किए गए सी। ठीक है जी, इंपोर्टेंट बनेगा, याद रखांगे। और इन्होंने की किया BRO दे दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीमा सड़क भवन दे विच, सीमा सड़क भवन जो कि न्यू दिल्ली दे विच लोकेटेड है, इत्थे इन्हों इनॉग्रेट किया। ठीक है जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हेल्थ मिनिस्टर ने, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हेल्थ मिनिस्टर ने चांदनी चौंक दिल्ली तो लोकसभा MP ने और उत्थे ही क्योंकि उत्थे दे MP ने लोकसभा MP ने इस करके उत्थे इन्हां ने चांदनी चौंक दिल्ली दे विच हरदयाल म्यूनिसिपल हैरीटेज पब्लिक लाइब्रेरी की शुरुआत की है, इनॉग्रेट की। ठीक है जी, नेक्स्ट है इंडिया हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स विच कंट्री, डोमेस्टिक वर्कर्स दे फील्ड दे विच रिक्रूट करन दे लिए कोऑपरेशन दे लिए इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया किस कंट्री दे, इंडिया ने कड़ी कंट्री दे एग्रीमेंट साइन किया कुवैत दे। ठीक है जी, इस तरीके नाल डिस्कस कर याद रखना है कि इंडिया ने डोमेस्टिक वर्कर्स रिक्रूटमेंट दे लिए किस कंट्री दे नाल एग्रीमेंट साइन किया कुवैत दे। ठीक है जी, एक अलग तो अगर तुसी नोट्स बनाने हो वेल एंड गुड है, इस तरीके नाल बनाने है कि एक पेज लगाने एग्रीमेंट्स दा, एग्रीमेंट्स दे विच डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज दे नाल इंडिया दे एग्रीमेंट्स किस दे लिए किए गए ने, साइन परपस किस कंट्री दे नाल किया गया। ठीक है, सिर्फ तीन चीज़ा याद रख। इस तो इलावा कुवैत कैपिटल की है, कुवैत सिटी है। मंगोलिया कैपिटल की है, उलन बतूर। बाकी कंट्रीज ईजी है, पता होगी। डिस्कस करते हैं न्यूज़ कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, जो ओलंपिक कमेटी है जिसका हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड दे विच है, इसने अनाउंस किया कि 2032 समर ओलंपिक्स ने जो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया दे विच ऑर्गेनाइज किए जाने। ठीक है, ओलंपिक्स कमेटी के जो हैड ने कौन ने, थॉमस बैच। और इस तो इलावा याद रखांगे इन्हों ही एक अवार्ड दिता गया सी जो इन्होंने बाद दे विच इनकार कर दिता सी, मेरे माइंड चो नाम स्किप हो रहा है, सियोल पीस प्राइज जो साउथ कोरिया का प्राइज़ है, यह इन्हों दिता गया सी। उखना खुरेल सुख जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके ने, इन्हों प्रेसिडेंट बनाया गया मंगोलिया दे प्रेसिडेंट के तौर पर उखना खुरेल सुख नू अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट है विच स्टेट विल प्रोवाइड फ्री सैनेटरी पैड्स, केड़ी स्टेट फ्री सैनेटरी पैड्स प्रोवाइड करेगी नीडी नू जिन्हां दी जरूरत है उड़ान स्कीम दे अंडर फ्री सैनेटरी पैड्स केड़ी स्टेट प्रोवाइड कर रही है, पंजाब दे चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की गई। ठीक है जी, सिंपली स्टेट प्लस उसकी स्कीम का नाम याद रख। सिमिलर तरीके नाल आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर YS जगमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश दे चीफ मिनिस्टर, इन्होंने 370 करोड़ रुपए एलोकेट किए ने जगन्नाथ थोड़ू स्कीम ने। बेसिकली लास्ट ईयर इन्हां स्कीम्स नू लॉन्च किया गया सी, जिन्नी भी स्कीम्स आंध्र प्रदेश की अपन डिस्कस कीतियां ने पिछले कुछ दिनों दे विच, हुण इन्हां स्कीम्स दे अंडर डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जा रहे हैं, इन्हां दे अंडर अमाउंट एलोकेट की जा रही है, तो अपने लिए इन्हां स्कीम्स दे नाम इंपोर्टेंट बनेंगे, रायथू भरोसा स्कीम। ठीक है, और भी डिफेंस स्कीम्स आप डिस्कस कीतिया ने, जगन्नाथ जिथे वर्ड जगन्नाथ यूज़ किया जाता है याद रखांगे, यह स्कीम कितने की होएगी, आंध्र प्रदेश की होगी। इस तो अलावा YSR भी इस दे विच ऐड किया जाता है स्कीम्स दे नेम दे विच, ओहो भी स्कीम्स आंध्र प्रदेश दे रहेंगी।
यूपी ने अनाउंस किया है स्मार्टफोन प्रोवाइड किए जाएंगे आंगनवाड़ी वर्कर्स स्मार्टफोन प्रोवाइड किए जाएंगे यूपी द्वारा। राजस्थान चीफ मिनिस्टर द्वारा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा स्कीम अनाउंस की गई। इस दे अंडर री इनवर्स की जाएगी जो फार्मर्स ने इन्हों बिल दी अमाउंट है जो इन्हों की इलेक्ट्रिसिटी बिल है इस दे विच इन्हों अमाउंट री इनवर्स की जाएगी या कहांगे सबसिडी दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने अनाउंस किया कि जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनाया गया नवा इसनू शिवसेना के फाउंडर बाल ठाकरे के नाम के उत्ते नामित किया जाए। ठीक है जी, इसका नाम बाल ठाकरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम तो नामित किया है। ठीक है जी, इसी दे नाल रिसेंटली कमेंट बॉक्स से भी दसना कि केड़ा जू सीगा या किथे दा जू सीगा जिसका नाम बाल ठाकरे के नाम के उत्ते रखा गया। महाराष्ट्र के विच किथे दा जू सीगा जिसका नाम बाल ठाकरे के नाम के उत्ते रखा गया। नेक्स्ट पुलिट्ज़र प्राइज को अवार्ड जिनी न्यूज़ ने अपना सारी डिस्कस कर रहे एक अवार्ड है, यह अवार्ड काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट है, इस करके डिटेल दे विच थोड़ा डिस्कस करांगे। कुछ इंपोर्टेंट नाम रहेंगे अपने परस्पेक्टिव के उत्ते, एग्जाम परस्पेक्टिव के उत्ते पूछे जाते। फॉर एग्जाम्पल पुलिट्ज़र प्राइज़ किस फील्ड के भी दिता जाता है, न्यूज़पेपर मैगजीन या ऑनलाइन जर्नलिज़म लिटरेचर या म्यूजिकल कंपोजिशन के फील्ड के विच यह अवार्ड दिता जाता है। यह अवार्ड 1917 के विच शुरू किया गया सी जोज़फ पुलिट्ज़र इन्हां दे नाम दे उत्ते इन्होंने फंड स्टार्ट किया सी कैम्ब्रिज यूनीवर्सिटी के विच, कैम्ब्रिज यूनीवर्सिटी द्वारा इस अवार्ड नूं दिता जाता है। ठीक है, किन्हां दे नाम दे उत्ते, जोज़फ पुलिट्ज़र दे नाम दे उत्ते। प्राइज़ मनी $15,000 है। कुछ टाइम पहले तक अगर गल करिए पर 2017 तक आई थिंक $10,000 दिती जाती सी, बाद दे विच इसनूं इनक्रीज़ किया गया है $15,000 इन 21 कैटेगरीज। 21 कैटेगरीज़ के विच डिफरेंट परसनज़ नूं अवार्ड दिता जाता। ठीक है, इसी दे नाल जो पब्लिक सर्विस कैटेगरी है इस दे विच गोल्ड मैडल भी दिता जाता। ठीक है, याद रखा। हुण अवार्ड्स की अगर आप गल करिए, अवार्ड्स की गल करनी है तो कुछ नाम इंपोर्टेंट बनेंगे। डार्नेला फ्रेजियर नूं इस बार एक स्पेशल कैटेगरी स्पेशल अवार्ड दिता गया। स्पेशल अवार्ड किन्हां नूं दिता गया, डार्नेला फ्रेजियर नूं, किस दे लई, फॉर रिकॉर्डिंग मर्डर ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड। सॉरी, याद होएगा अगर किसी ने पढ़िया होवे द हिंदू दे विच काफ़ी वड्डा आर्टिकल भी सीगा इन्हां दे बारे काफ़ी टाइम पहले कि USA दे विच एक ब्लैक परसन सीगे इन्हां नूं एक वाइट ऑफिसर द्वारा अरैसट किया गया सी। तां अरैसट करन दे वेले की होया सी, इन्हां नूं जमीन ते लिटा दिता गया सी और इन्हां दी गर्दन दे उत्ते उन्हां ने पैर रख लिया सी, जिस करके इन्हां दी डैथ हो गई सी। ठीक है, जॉर्ज फ्लॉयड। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी होया सी इस चीज़ के उत्ते, ब्लैक लाइव्स मैटर समथिंग नाम का इनिशिएटिव भी लॉन्च होया सी उस टाइम। तो उस मर्डर नूं रिकॉर्ड करन दे लई डार्नेला फ्रेजियर नूं स्पेशल अवार्ड दिता गया। इन्हां दे करेज दे लई, इन्हां दे हौसले दे लई, इन्हां दे निडरता पूर्ण दे लई। इस तों इलावा न्यूयॉर्क टाइम्स पब्लिक सर्विस की कैटेगरी दे विच, पब्लिक सर्विसेज की कैटेगरी दे विच न्यूयॉर्क टाइम्स, आपां हुणे डिस्कस किया कि पब्लिक सर्विस कैटेगरी ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि इस दे विच गोल्ड मैडल भी दिता जाता है। तो यह किस नूं दिता गया, न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर। फिक्शन की कैटेगरी दे विच द नाइट वॉचमैन दे लई लुईस एड्रिच नूं। पोएट्री की कैटेगरी दे विच पोस्टो कॉलिनर लव पोइम दे लई नटालिया दियाज नूं। म्यूजिक की कैटेगरी दे विच स्ट्राइड तानिया लियोन नूं। ड्रामा द हॉट विंकिंग कटोरी हॉल नूं। हिस्ट्री दे विच फ्रेंचाइजी द गोल्डन आर्काइव्स इन ब्लैक अमेरिका मार्सिया चैटलियन नूं। ठीक है, इस तों इलावा जो अवार्ड अपने परस्पेक्टिव उत्ते, हालांकि ये भी इंपोर्टेंट रहेंगे लेकिन ये घट इंपोर्टेंट रहेंगे, ये PPSC लैवल एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट रहेंगे ज़्यादा। पंजाब लैवल की अगर आप गल करिए, सिंपल एग्जाम्स अपने जो पटवारी लैवल या फिर इन्हां एग्जाम्स की गल करते हैं तो इन्हां दे विच जो इंपोर्टेंट बनेगा नाम सब तो ज़्यादा ये होएगा मेघा राज गोपाल, क्योंकि यह इंडियन ओरिजन ने, इन्हां ने इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी दे विच 3 लोगों अवार्ड दिता गया है, मेघा राज गोपालन,
एलिसन किलिंग और क्रिस्टो ब्यूशे, जिसके मेघा राज गोपालन इंडियन ओरिजन ने बज फीड न्यूज़ के काम करते हैं। तीनों परसन इन्हों चाइना डिटेंशन कैंप्स एक्सपोज करन दे लिए यह अवार्ड दिता गया। ठीक है जी, आज दे लिए बस इन्ना ही। आई होप सानू सैशन पसंद आया होएगा। लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।